निवृत्तीला आपलं खातं खोलायचंय. स्ट्राईकला निवृत्ती. सत्यम तयार होतोय. दहा ते पंधरा पर्यंत धावायला सुरुवात करून हा चेंडू टाकलाय. हा मात्र फाईन लेग च्या दिशेने मारलेला चेंडू चौकार बाजूक षटकार आणि मला वाटतं हा पहिलाच चौकार आहे. खणखणीत चौकार मारलेला आहे. अशा तऱ्हेने आपला खातो खोलतोय निवृत्ती या चौकारणीशी. पहिल्या चेंडूवरती खणखणीत चौकार मारून आपलं खातं खोललेलं आहे. संघाचं खातं खोललंय. संघाचं खातं खोलतोय. धावसंख्या आहे बिनबाद चार. पुन्हा एकदा सत्यम तयार होतोय. पंचाच्या डावेजून मारा करतोय तो निवृत्तीसाठी. निवृत्ती तयार. पुन्हा एकदा उचल आणि पॉईंटच्या ओव्हरवर मारला चेंडू जातोय. एक धाव दुसरी धाव सुद्धा घेतोय निवृत्ती. दोन्ही धाव पळून चाललेले आहेत. दोन धाव पूर्ण करतोय. धाव धावसंख्या त्याचे सहा. धावसंख्या सहा. पिनबादचा निवृत्ती पोहोचतोय सहा या धावसंख्येवरती. संघाची धावसंख्येमध्ये सहा. पुन्हा एकदा सत्यम तयार होतोय. दहा ते पंधरा पर्यंत राहणार पाहिजे घेऊन. हा चेंडू मात्र उत्कृष्ट चेंडू होता आणि जोरदार अपील होता. जोरदार अपील आणि फलंदाज बाद होतोय. फलंदाज बाद होतोय. रनआउटच्या स्वरूपात पहिली सफलता मिळते. निवृत्ती हा उत्कृष्ट त्या खेळत होता आणि त्याचं दुर्दैव आणि तो बाद होऊन परत समीर सॉरी सनी. सत्यम तयार होतोय. पंचाच्या डावजण मारा करतोय. पुलटा चेंडू होता मात्र हा चेंडू काही समजला नाही. या चेंडू जातोय विकेट किपर कडे. हा मात्र निर्धाव चेंडू जातोय. या चेंडूवरती का धावून मिळत नाहीये. धाव तिथेच आहेत. धावसंख्या सहा. एक पाच सहा. आउट झालेला फलंदाज तो निवृत्ती. वैयक्तिक सहा धावसंख्या परतोय. आणि पुन्हा एकदा चेंडू. पुन्हा एकदा विकेट किपर कडे जातोय. निर्धाव चेंडू जातोय. दोन चेंडू लागोपाठ निर्धाव जात आहेत. उत्कृष्ट गोलंदाजी पाहायला मिळते सत्यम कडून. पुन्हा एकदा सत्यम तयार होतोय गोलंदाजीसाठी. पंधराच्या डावजण मारा करतोय. आणि हा मात्र पॉईंटच्या दिशेने काढायचा चेंडू आणि रनआउट. पुन्हा एकदा रनआउट होणार नक्की आणि सुरक्षित पोहोचतोय. एक धाव मिळते. धावसंख्येमध्ये बदल होतोय. धावसंख्या होते ती. धन्यवाद. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धन्यवाद सर. धन्यवाद. ओळीच्या सामन्याकडे ग्रँड फिनाले अंतिम ट्रॉफी. आपण अंतिम सामन्याकडे वळलेलो. माळवाळी प्रीमियर लीग सत्तर अंतिम दिवसाकडे येऊन पोहोचलाय. शेवटचा दिवस आणि अंतिम लढतीकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलेलं आहे. ड्रोन कॅमेऱ्यातून छायाचित्रण केलं जातंय माळी यांच्या मार्फत. अंतिम सामन्याकडे मगच्या षटकामध्ये एक गरीबात झाला होता. निवृत्तीसारखा मोहरा टिपला होता. धावबाद झाला होता आणि मौक्याच्या क्षणी चुकी केली होती निवृत्तीनं. निवृत्ती ही चुकी कुठेतरी संघाला मागत पडणारी चुकी असणार आहे. पहिलं षटक संपलंय. पटके पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर मैत्री इलेव्हन विरुद्ध यशस्वी
इलेवन लांडाचा सामना आहे. पहिल्या षटकाच्या मध्यासंख्या 7 गोलंदाजी मार्ग गोलंदाज सज्ज होतोय. कमलेश गोलंदाज मला वाटतं पहिला चेंडू निर्धाव शून्य धाव संख्या पहिल्या चेंडूवर खर्च करतोय गोलंदाज कमलेश. कमलेश मात्र चांगली गोलंदाजी करतोय. कमलेशचा पहिला चेंडू निर्धाव आहे. स्ट्राईक वर येतो आकाश. आकाश एक उंच पुरा फलंदाज आहे. बघूया कमलेश चार पाच पौलांचा पंचांना पार करून चेंडू फेकला. सुंदर चेंडू. चेंडू बघूया एसटी रक्षकाला आदळतोय. बघूया किती धावा निघतात. चेंडू मला वाटतं निर्धाव आहे. एसटी रक्षक आपलं काम चोख बजावतोय. फलंदाज चुकतोय. एसटी रक्षक आपलं काम चोख बजावतोय. धावसंख्या जैसे होते जातच्या जागेवर जिंकल्या तिथे आहे तिथे धावसंख्या 7 दोन चेंडू सलगचे निर्धाव टाकलेत. धावसंख्या आहे तिथे. धावसंख्येला लगाम लावलेला आहे. धावसंख्येला फळी कॉल लावलेला आहे. धावसंख्या जैसा थोडी धावसंख्या जागच्या जागेवर. धावसंख्या 7 दुसरं षटक प्रगती पथावर कमलेश चेंडू फेक करतोय. आकाश मात्र 5 चेंडू 1 धाव. थोडस सुंदर चेंडू. यष्टी रक्षक यष्ट्यांना खेचून उभा आहे. खेटून उभा आहे. जागच्या जागेवर चेंडू अडवतोय. काही सेकंदामध्ये चेंडू गॅदर करतोय. धावसंख्या आहे तिथेच. 3 चेंडू निर्धाव टाकलेत. आता मात्र हानामारी करणं गरजेचं आहे. मैदानात उभा राहून काही होणार नाहीये. मोठे फटके लगावायचे जर आपल्याला सन्मानजनक धावसंख्या जमवायची असेल तर धावसंख्या होणं गरजेचं आहे. वळूया सामन्याकडे. चारपाच पावलांचा रणपा आहे. मोठा फटका आहे. बघूया चेंडू दणदण करत जातोय. सीमारेषेजवळ चेंडू अडवला जातोय. सर्कलच्या बाहेर चेंडू अडवला होता. धावसंख्या 1 ने भरपर्यंत धावसंख्या होत आहे. 8-3 चेंडू निर्धाव टाकल्यानंतर आता मात्र खातं खोललं जातं. धावसंख्येचं खातर धावसंख्या 1 ने भरपडते. 4 चेंडू 1 धाव म्हणजे अचूक टप्प्यावर गोलंदाजी. जसा हवा तसा टप्पा टाकला जातोय. चांगली गोलंदाजी या ठिकाणी पाहायला मिळते. नक्कीच रमेश इथं मात्र कुठेतरी सुंदर गोलंदाजी पाहायला मिळते. की यशस्वी लांजा या संघाकडून गोलंदाज असेल तो कमलेश. सुंदर चेंडू इथं मात्र कट करतोय. कोणताही फलंदाजाला चान्स देत नाही. इथं मात्र पुढील चेंडू. इथं मात्र लेफ्ट हँड फलंदाज. इथं मात्र चेंडू टप्पा पडल्यानंतर उचली घेतली होती. शरीरावर गळा आला होता. मात्र एक धाव पूर्ण केली. दुसऱ्या धावटी धावतोय. रनआउटचा खतरा इथं मात्र मध्ये पोहोचला आहे का नाही. इथं मात्र फलंदाज धाव भात. आमच्या मंडळाला बहुमूल्य वेळात वेळ काढून तुम्ही या ठिकाणी आलात त्याबद्दल यतोजित जो काही सत्कार आहे तो करण्यात येतोय. रिषाद बरमारे यांचा सत्कार आमच्या मंडळाचे कार्यकर्ते मानसी नरेश मेंढे हे करतील. मी नरेश मेंढे यांना विनंती करतो की त्यांनी जयीर इर्शाद बरमारे यांचा सत्कार करायचा आहे. इर्शाद बरमारे यांचा सत्कार करताना आमच्या मंडळाचे कार्यकर्ते नरेश मेंढे. जे दोन गडी बाजारात विक्रम सर दोन्ही रनआउट झालेत. त्यानंतर आमच्या गावचे पोलीस पाटील मानसी दत्ताराम आपणकर यांचा सत्कार सतीश खानविलकर करतील. सतीश खानविलकर आमच्या गावचे पोलीस पाटील दत्ताराम आपणकर यांचा सत्कार करताना धन्यवाद. दत्ताराम आपणकर यांचा सत्कार करताना आमच्या मंडळाचे कार्यकर्ते मानसी सतीश खानविलकर त्यानंतर सचिन नरसले यांचा सत्कार करतील. आमच्या मंडळाचे कार्यकर्ते कृतार्थ मेंढे पनोरे गावचे सदस्य ग्रामस्थ मानसी सचिन नरसले यांचा सत्कार करताना गावचे आमच्या कार्य मंडळाचे कार्यकर्ते. त्यानंतर आमच्या बेनीगावच्या ग्रामपंचायतीचे सदस्य मानसी संदीप बने यांचा सत्कार करतील. चंद्रकांत मेंढे ग्रामपंचायत सदस्य मानसी संदीप बने यांचा सत्कार करताना चंद्रकांत मेंढे. मधुकर जाधव कुठे असतील त्यांनी मंचावरती यायचं आहे. संदीप बने यांचा सत्कार करतायत चंद्रकांत मेंढे. त्यानंतर आमच्या वेणी ग्रामपंचायत उपसरपंच मानसी अशोक कोंडसकर यांचा सत्कार करतील सुरेश मेंढे. स्वप्नील खानविलकर कुठे असेल त्यांनी मंचावरती यायचं आहे ताबडतोब स्वप्नील खानविलकर. त्यानंतर आमच्या तंटामुक्ती अध्यक्ष माननीय श्री
दिलीप तळेकर यांचा सत्कार सुनील खानविलकर करतील। दिलीप तळेकर यांचा सत्कार करताना मंडळाचे आमचे कार्यकर्ते माननीय सुनील खानविलकर। त्यानंतर आमच्या बेनीगावचे माजी सरपंच माननीय ज्ञानेशराव खानविलकर यांचा सत्कार करतील सुनील खानविलकर। माननीय श्री स्वप्निल खानविलकर कुठे असतील त्यांनी या ठिकाणी यायचं आहे, मंचावरती यायचं आहे स्वप्निल खानविलकर। ज्ञानेश्वर खानविलकर यांचा सत्कार करतील मंगेश खानविलकर। मंगेश खानविलकर ज्ञानेश्वर खानविलकर यांचा सत्कार करतील ज्ञानेश्वर खानविलकर सत्कार करतील मंगेश खानविलकर। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर सत्यम चौधरी के जरिए, धन्यवाद पर यशस्वी लांजा की तरफ से। पहली तीसरी ओवर का खेल जारी है अब तक। ज्ञानेश्वर खानविलकर यांचा सत्कार करता आमच्या मंडळाचे कार्यकर्ते माननीय मंगेश खानविलकर। त्यानंतर खानवली गावच्या ग्रामपंचायत सदस्य माननीय वाघोजीराव खानविलकर यांचा सत्कार करतील दादासाहेब खानविलकर। दादासाहेब खानविलकर वाघोजीराव खानविलकर यांचा सत्कार करताना वाघोजीराव खानविलकर। सेमीफायनल के पहले मुकाबले में जो तीस रन त्यानंतर वहां से गेम को पलटा था यहां पर क्या वाघोजीराव खानविलकर यांचा सत्कार करता दादासाहेब खानविलकर। डगआउट में सत्यम अगली गेंद करने के लिए तैयार टीम का धन्यवाद। त्यानंतर मधुकर जाधव, मधुकर जाधव यांचा सत्कार करतील आमच्या मंडळाचे कार्यकर्ते चंद्रकांत लवंदे। लो शॉट गेंद हवा में है, क्या गेंद जाएगी बाहर जाएगी बाहर जाएगी, लाइन वन का इशारा आना बाकी है। मधुकर जाधव यांचा सत्कार करतील चंद्रकांत लवंदे। इशारा तो हा लगातार अरफान के बल्ले से निकलता है दूसरा छक्का। ये खिलाड़ी नहीं मैंने कहा है, ये बहुत बड़ा खिलाड़ी आने वाले समय में बनने वाला है। प्रतिमेश जी पवार विकेटों के पीछे से देख रहे हैं बल्लेबाज कि बल्ला कितना तेजी से आ रहा है। भले ही सिंगल फसली है लेकिन काम और डबल फसली जैसा कर रहे हैं ये अपने टीम के लिए, जहां पर टीम का स्कोर महज 12 रन था पहली तीसरी ओवर की तीन गेंदों तक आपका स्कोर हो। त्यानंतर 20 रन मंथन परीक्षेत द्वितीय क्रमांक पटकावलेला जी अनुश्री नितेश केळकर हिचा सत्कार आमच्या मंडळाचे कार्यकर्ते माननीय श्री संजयराव खानविलकर अन्नपूर्णा हॉटेल हे करतील। संजयराव खानविलकर यांना मी विनंती करतो की त्यांनी तिचा यथोचित जो सत्कार आहे तो या ठिकाणी करायचा आहे अनुश्री केळकर हिचा, जी मंथन आणि शिष्यवृत्ती परीक्षेमध्ये तिने भरघोस असे यश संपादन केलंय त्या अनुश्री केळकर हिचा यथोचित जो सत्कार आहे ते आमच्या मंडळाचे कार्यकर्ते माननीय श्री संजयराव खानविलकर यांच्या हस्ते जो काही यथोचित सत्कार आहे तो या ठिकाणी संपन्न होतोय। 24 रन हो चुका है स्लिप यहाँ पर नाना ने तराशी है, क्या गेंद लेग स्पिन होगा देखना होगा यहाँ पर गेंद हो में। क्या नाना का प्लानिंग है, मैं यहाँ पर खुश हो चुका हूँ क्योंकि ये प्लानिंग है लेग स्पिन ही गेंद की थी थोड़ी सी बाहर थी शायद यहाँ पे अरफान थोड़े से क्रॉस खड़े थे इसलिए गेंद थोड़ी सी में रीजन में जा सकती थी। तीन ओवर के बाद 25 रन टीम का स्कोर है। आखिरी दो ओवर शेष है यहाँ पर बैटिंग पावर प्ले, तो यहाँ पर बैटिंग पावर प्ले का इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पर देखना होगा अरफान दो छक्के एक सिंगल रन अभी यानी कि कुल 16 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो आने वाली 12 गेंदें बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। यहाँ पर 12 गेंदों में कितने रन बनते हैं यहाँ पर प्रवीण वीर हमारे साथ यहाँ पर बैठे हैं, हमारे साथ रमेश चौहान यहाँ पर समालोचन करते हुए। लेकिन ये फाइनल का मुकाबला है मारवाड़ी प्रीमियर लीग 2023 दूसरा सीजन, 50,000 की इनामी राशि और चमचमाती हुई ट्रॉफी, जो जीतेगा उसे वो मिलेगी। यानी कि अब प्रथम यानी कि नाना पवार मैन पुमसा अवार्ड जो श्रावणी 11 की तरफ से खेलते इस बार इस टूर्नामेंट में उन्होंने अपना अनुमान दिया था कि कब खूबसूरत यहाँ पर आयोजन किया है, खूबसूरत लाजवाब इतने दूर लेकिन गांव में भी क्यों होना हो, इतना खूबसूरत मैदान है ये सती का माड़ इस जगह का नाम है और सती का मंदिर यहाँ पर जो है
उस कारण इस जग को उस पवित्र जगह मानी जाती है। और बेनी बुजुर्ग गाँव यहाँ से ये बिलोंग करते हैं, ये मैदान और ये टूर्नामेंट श्री भैरी भवानी क्रिकेट क्लब मारवाड़ी इनके तरफ से ये टूर्नामेंट आयोजन किया था पिछले साल। रशीदा खानविलकर इन्होंने ऐलान किया था कि अगले साल इससे बड़ा टूर्नामेंट होगा और वो यहाँ पर अंतिम चरण में आ चुका है। और पांच स्ट्राइकर होंगे, गेंदबाज होंगे सचिन। आमच्या मंडळाचे कार्यकर्ते मानसी संजयराव खानविलकर यांचा सत्कार सागर खानविलकर करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो। आमच्या मंडळाचे कार्यकर्ते मानसी संजयराव खानविलकर यांचा सत्कार सागर खानविलकर करतील। क्योंकि आकाश जाधव नॉन स्ट्राइक गेंद पर खड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर चंदू अपनी ओर की अगली गेंद करेंगे। फुल लेन गेंद, यहाँ पर कोई फील्डिंग नहीं है, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, चार रन के लिए लॉन्ग रन बाउंड्री लाइन के बाहर निकलता हुआ ये चौवा अरफान नाकवा के बल्ले से खूंखार खिलाड़ी यहाँ पर बनता जाता हुआ टीम का स्कोर आगे बढ़ता 29 रन 29 रन 29 धावा इथं मात्र संघाच्या धाव फलकावर लागले आहेत। दोन फलंदाज आतापर्यंत तंबूत परतले आहेत आणि तब्बल चौथ्या षटकातील दोन चेंडू तत्तू पुन्हा एकदा आपल्या षटकातील पुढील चेंडू घेऊन अरफान नाकवासाठी इथं मात्र फुल लेन चेंडू पुन्हा एकदा इनसाइड एज गेम चेंडू स्लिप डिव्हिजन मध्ये जातोय। एक धाव पूर्ण होईल का, एक धाव पूर्ण होते, इथं मात्र सुंदर क्षेत्ररक्षण कव्हर केलं जातंय आणि एका धावेने एक धाव संघाच्या धाव संख्येत वाढली जाते। 30 धावा इथं मात्र संघाच्या धाव फलकावर पोहोचल्या आहेत। इथं मात्र कुठेतरी 45-50 धावा या धाव फलकावर लागतील कारण प्रथमेश रूप नाना सुंदर फलंदाजी करतोय, ज्या ग्राउंड आहे त्याचा पुरेपूर वापर करून फलंदाजी करतोय कारण ग्राउंड मध्ये गॅप आहे तेवढ्या की खूप मोठं ग्राउंड असल्यामुळे आरामात दोन दोन तीन तीन रन्स आणि अगर आपने यहाँ पर फील्डर को क्लियर किया तो बाउंड्री भी मिल सकती है। यहाँ पर क्या पावर प्ले का यहाँ पर और है, यहाँ पर गेंद डॉट जाती हुई, एक गेंद डॉट लगाना यहाँ पर आप पर गुनाह साबित हो सकता है आकाश, क्योंकि यहाँ पर समय कम है, आपको कम से कम हर गेंद में एक से दो रन तो बनाने ही है। टीम का स्कोर है 30 रन, आने वाली गेंदे बची हुई है इस ओवर की, तो तत्तू अपनी ओर की पांचवी गेंद करेंगे। आकाश को गेंद आई 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 आ गया, ओह खूबसूरत फील्डिंग यहाँ पर, लाजवाब फील्डिंग यहाँ पर, 6 रन से नहीं यहाँ पर मैच को बचाया होगा, लाजवाब खूबसूरत बेहतरीन सलाम है भाई तुझे, क्या जजमेंट थी यहाँ पर आपकी फील्डिंग की, लगभग छक्का गया था मैच, 2 रन मिले ये 4 रन बचाए है इस खिलाड़ी। अनंत नरसले कुठे असतील, त्यांनी मंचावरती यायचं आहे। अनंत नरसले टीम का स्कोर 32 रन, तीसरी ओवर की चौथी ओवर की आखिरी गेंद लेके यहाँ पर दो फिर से एक बार तैयार होंगे, यहाँ पर आकाश इस बार नहीं ताटी गेंद यानी कि खूबसूरत गेंदबाजी चंदू, यहाँ पर इस ओवर में महज 7 रन खर्च किए है, 32 रन 4 ओवरों में यानी कि हर ओवर में 8 रनों की सरासरी से रन रेट से रन बन रहे हैं। आखिरी 6 गेंदे शेष है, क्या इस ओवर में 15-16 रन आए तो यहाँ पर खूबसूरत मुकाबला चलता हुआ, क्या अरफान आखिरी 6 गेंदों में 32 रन लॉस ऑफ 2 विकेट, धाव संख्या झाली होती 32 धावा तब्बल फायनलचा सामना इथं मात्र रंगतोय, अंतिम सामना मारवाडी प्रीमियर लीग 2023 पर्व दुसऱ्या मधील आणि जहीर कोंडकरी यांना मी मंचावर येण्याची विनंती करतो। जहीर कोंडकरी तो सचिन सुंदर क्षेत्ररक्षण या अगोदरच्या षटकामध्ये 5 चेंडूवर षटकार अडवला होता आणि तब्बल जहीर शेठ कोंडकरी यांचा सत्कार करतायत आमच्या मंडळाचे कार्यकर्ते रोहन खानविलकर। हा सामन्यातील फरक असू शकतो इथं मात्र नक्कीच वाटतंय कारण जहीर शेटकोणकर यांचा सत्कार करतायत आमच्या मंडळाचे कार्यकर्ते रोहन खानविलकर। 32 धावा 32 आखिरी 6 गेंदे यहाँ पर अरफान नाकवा स्ट्राइक पर रहेंगे, 2 छक्के 1 चौवा उनके बल्ले से आता हुआ यहाँ पर ये गेंद सचिन की, ये गेंद यहाँ पर गेंद थोड़ी सी नीचे इस बार तेज़तर्रार खेलना चाहते थे लेकिन त्यानंतर अनंत नरसले यांचा सत्कार करतील आमच्या मंडळाचे कार्यकर्ते सागर खानविलकर। अनंत नरसले गेंद का टिप्पा थोड़ा सा पीछे रखने में कामयाब हो रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है गेंद अगर थोड़ी सी भी मैं आगे डालूंगा तो यहाँ पर खतरा हो सकता है,
सचिन फिर से एक बार तैयार रहेंगे, नाना थोड़े से लॉन्ग खड़े हुए हैं, यहाँ पर तेज तर्रार गेंदे डालेंगे क्योंकि टाइमिंग में थोड़ी सी दिक्कत आए, यहाँ पर फिर से एक बार वही खोद निकाला, यहाँ पर बल्लेबाज को कोई चांस नहीं, तगड़ा गेंद यहाँ पर सीधा ब्लॉक करने का प्रयास और दोनों बार यहाँ पर कामयाब होते हुए, यहाँ पर बल्लेबाज को अपना प्लान बदलना होगा क्योंकि गेंदबाज अपना प्लानिंग करके चल रहा है। अनंत नरसले यांचा सत्कार करतात आमच्या मंडळाचे कार्यकर्ते सागर खानविलकर, धन्यवाद। आखिरी चार गेंदे शेष है, अरफान को कुछ ना कुछ करना होगा क्योंकि यहाँ पर चार गेंदे सचिन ब्लॉक कर रहे हैं, इस बार थोड़ी सी शॉट ही गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी 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 जाएगी, थोड़ा सा गेंद को हल्का किया फिर कम किया यहाँ पर सचिन और उसके ही गेंद पर उसने हल्ला कर दिया, यहाँ पर बंटी जो बाउंड्री लाइन के बाहर कैच पकड़ने में कामयाब है, तो देखना होगा इनको भी इनामी राशि या संपन्न होती है नहीं। टीम का स्कोर अब बढ़ता हुआ 38 रन, आखिरी तीन गेंदे शेष है, अरफान फिर से एक बार तैयार हो गए, सचिन क्या गेंद आगे करेंगे शॉट करेंगे, यहाँ पर शॉट गेंद सीधे खेले, यहाँ पर लॉन्ग ऑफ की रीजन में क्या एक मैच पूरा करेंगे दूसरे के लिए दौड़ेंगे, यहाँ पर आकाश देखना होगा क्या रन आउट होंगे, यहाँ पर थोड़े सा गलत एंड पर यहाँ पर गेंद लगने में थोड़े सा देरी हुई और नाना के हाथ से गेंद छिटकी थी, तब तक अरफान यहाँ पर अपने क्रीज में सुरक्षित पहुंच चुके हैं, टीम का स्कोर 40 रनों पर, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर सम्मानजनक स्कोर दिखता हुआ, आखिरी आने वाली दो गेंद शेष है, अरफान नाना को बेहतरीन बल्लेबाजी, उनके बल्ले से अब तक 3 छक्के 1 चौका और यहाँ पर निकलता हुआ, यानी कि अब कुल 26 रनों पर बल्लेबाजी करते हैं यहाँ पर अरफान नाना को, आखिरी दो गेंदे यहाँ पर दो में से एक गेंद अगर तड़ी पार यानी गे बाउंड्री लाइन के बाहर भेजने में कामयाब हुए तो बेहतरीन अच्छा स्कोर यहाँ पर सम्मानजनक देखने को मिलेगा, यहाँ पर मित्र तो लेवल किए गए फिर से एक बार लॉन्ग ऑफ रीजन में एक मैच पूरा किया गया, दूसरे रन इसके दौड़ेंगे यहाँ पर दौड़ना चाहिए यहाँ पर नहीं ठो लेकिन सीधा ऊपर आता हुआ, दो रन से यहाँ पर और मुकम्मल किए, थोड़ा सा यहाँ पर तुतु मैं हुई गेंद हाथ से छिटकी और दो रन कंप्लीट यहाँ पर अरफान नाकवा के जरिए, दो रनों के साथ ही टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 42 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। तो आखिरी गेंद होगी फाइनल की पहली इनिंग की, क्या छक्का जड़ेंगे यहाँ पर सचिन, आगे गेंद ब्लॉक करेंगे देखना होगा, यहाँ पर 15 गेंद में 28 रन की पारी, यहाँ पर आखिरी गेंद यहाँ पर छटकती हुई क्या एक रन दौड़कर पूरा किया यहाँ पर दोनों भी बल्लेबाजों ने, इसी के साथ इस पहली इनिंग की यहाँ पर इनिंग की समाप्ति 22 के रूप में रन से यहाँ पर मिलता हुआ आखिरी बल्ले से, तो यहाँ पर 43 रन बने हैं, 43 धावा प्रथम फलंदाजी करता ना मित्र तो इलेवन या संघा ने बना हुआ था, 44 धावांचा आव्हान असेल तो मारवाडी प्रीमियर लीग 2023 अंतिम विजेता बनण्यासाठी यशस्वी लांजा या संघासमोर यापुढील समालोचन करतील आमचे सहयोगी समालोचक राजेश चव्हाण, धन्यवाद सर। मारवाडी प्रीमियर लीग सर्व क्रीडा रसिकांचं हार्दिक स्वागत, ग्रँड फिनाले अंतिम दिवस शेवटचा दिवस आणि या शेवटच्या दिवसामध्ये आपण अंतिम ट्रॉफीसाठी ही लढत खेळतोय, मारवाडी प्रीमियर लीगचं जे देखणं मैदान आहे त्याची क्षणचित्र आपल्याला ड्रोन कॅमेऱ्यातून पाहायला मिळतात, जो अंतिम लढत आहे अंतिम लढत ग्रँड फिनाले अंतिम ट्रॉफीसाठी जी झगमगती ट्रॉफी आहे त्या ट्रॉफीसाठी गेले 3 दिवस बरेच संघ झगडत होते, त्यामधील 2 संघ फायनलिस्टसाठी एकमेकांसमोर आलेले आहेत आणि त्या 2 संघादरम्यान अंतिम सामन्याची लढत आहे, धनराशी अंतिम सामन्यामध्ये विजयी होणाऱ्या संघाला
50,000 रुपये धनराशी आणि एक चमचमचं म्हणजे देखणं आणि दिमागदार अशी ट्रॉफी या ठिकाणी मंडळाने आयोजित केलेली आहे, त्यासाठी ही लढत आहे। चालू असणारा सामना यशस्वी लांजा आणि मित्रत्व 11 या दोन संघादरम्यान सामना चालू आहे। विजयासाठी 43 धावांचं लक्ष ठेवलंय, 43 धावा जमा केल्या, 44 धावांचं लक्ष आहे। सरासरी रिक्वायर रन रेट आहे 8.80 चा रिक्वायर रन रेट असणार आहे। मला वाटते सलामीची जोडी मैदानात आलेली दिसते। मला वाटतं सलामीला आलेला आहे प्रथमेश, ज्यानं मगाचा सामना एक हाती वळवला होता, अंतिम सेमी फायनलच्या सामन्यामध्ये चित्र बदललं होतं तोच प्रथमेश। बंड्या आणि प्रथमेश अशी सलामीची जोडी। बॅट्समन नेम स्टार्ट टू मॅच, सामना चालू होतोय। बॅट्समन नेम जरा सांगायचंय, बंड्या बंड्याने प्रथमेश अशी सलामीची जोडी मैदानात। ग्रँड फिनाले अंतिम दिवस मारवाडी प्रीमियर लीग मधला जत्थादार चित्त तराग शेवटच्या क्षणापर्यंत येऊन पोहोचलाय। जर सामना टाय झाला तर कंपल्सरी चेस नसणार आहे, सुपर डुपर ओव्हरचा मुकाबला होणार आहे। बघूया पहिलं षटक, ओमकारच्या हातामध्ये पहिलं षटक आहे। ग्रँड फिनालेची ट्रॉफी ओमकारच्या हातामध्ये, षटक आहे। बंड्या स्ट्राईक वर आहे, बंड्या नॉन स्ट्राईक वर आहे प्रथमेश। ग्रँड फिनालेचा अंतिम सामना, दुसऱ्या इनिंग मधलं पहिलं षटक, स्वतःच पहिलं डावातलं पहिलं षटक, दुसऱ्या इनिंग मधलं पहिलं षटक टाकण्यासाठी सज्ज होतोय। आपलं पहिलं आणि डावातलं दुसरं, दुसऱ्या डावातलं दुसरं पहिलं षटक। बघूया चेंडू फेक करण्यासाठी सज्ज होतोय। 4-5 बॉलांचा डबा, सुंदर चेंडू, यश्चा उद्ध्वस्त 3 तास, बॅक टू पॅवेलियन फलंदाज बा, यश्चा उद्ध्वस्त होतात। ओमकार चांगली फलंदाजी करतोय आणि बंड्याला स्वस्तात माघारी परततोय। 0 या धावसंख्येवर पहिला धक्का बसतोय। अजूनही भोपळा सुद्धा फोडता आलेला नाही आहे यशस्वी लांजा संघाला। सुंदर चेंडू होता, यॉर्कर लेंथचा चेंडू, फलंदाजाने चेंडूला सोडून दिलं होतं, चेंडूला सन्मान द्यायचा होता पण चेंडूने घात केला होता। पहिला धक्का बसतोय, पहिला वहिला धक्का बसतोय बंड्याच्या रूपामध्ये। संघाला पहिल्या धक्क्यातून कोण सावरतंय बघूया। 0 या धावसंख्येवर बंड्या बाद होतोय। विजयासाठी 29 चेंडू आणि 44 धावा, सरासरी रिक्वायर रन रेट, प्रत्येक चेंडू गणित रिक्वायर रन रेट वाढत जातोय। 8.80 चा सरासरी रिक्वायर रन रेट होतोय। नवीन फलंदाज मैदानाच्या आत मध्ये दत्तू, प्रथमेश जोपर्यंत मैदानात आहे तोपर्यंत सामन्याचे चित्र हलवू शकतो, हलता झुलता देऊ शकतो। मगाच्या सामन्यामध्ये त्याने दाखवून दिलं होतं, दोन झेल सोडल्यानंतर चांगली फलंदाजी केली होती। या संघाचा विचार केला तर संघामध्ये सत्यम सारखा फलंदाज अजून आहे। त्यानं पहिल्या दिवसामध्ये 2 चेंडू आणि 10 धावांची गरज असताना सामना एकती फिरवला होता। टायगर अभी जिंदा आहे, टायगर अजून बॅक टू पॅवेलियन आहे, अजूनही टायगर येणं बाकी आहे। बघूया काय होतंय, वळूया सामन्याकडे। मॅच ऑन आहे, नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये येतोय दत्तू। दत्तू स्ट्राईक वर आहे, नॉन स्ट्राईक वर प्रथमेश, प्रथमेशला अजून चेंडू खेळलेला नाहीये, प्रथमेश नॉन स्ट्राईक एंडला उभा आहे। गोलंदाज आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय। ओमकार पॅवेलियन एंड करून मारा करतोय। बघूया ओमकार थोडस क्षेत्ररक्षण हलवतोय, क्षेत्ररक्षकांमध्ये बदल करतोय। थोडस आपला पॉवर प्ले असल्यामुळे काही नियंत्रण असतं कुठे कोणता खेळाडू स्टार्ट टू मॅच,
सामना चालू होते थोड़ाशा व्यक्ति या नंतर सामन्याकडे वळूया मॅच ओव्हर नाही सामने चार पांच बॉल चलना पे पंद्रह पार को चेडू देख करना घुटना टेक तमाशा देख आ फलंदाज टिक 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 फलंदाज बार धक्का बसतो आणि दुसरा धक्का बसतोय मला वाटतंय दत्तू आला तसा माघारी आला त्या पावसाने घरी दत्तू माघारी परततोय तू चल मैं आया तू जा घरी मी आलो अशी माघारी आल्या पावसाने माघारी एकमेकाला सांगतात तू जा घरी मी आलो म्हणजे हम भी किसी से कम नहीं भावा उभं राहणं गरजेचं आहे त्या ठिकाणी प्रथमेश एकटा मैदानात उभा आहे एकटा खिंड लढवतोय बाजी प्रभू देशपांडे यांनी एकट्याने खिंड लढवली होती तसंच प्रथमेश मात्र एका बाजूला नॉन स्ट्राइक वर एंड मध्ये उभा आहे जोवरती खेळ चालू आहे त्या खेळाकडे याचं लक्ष आहे कोण उभं राहत नाहीये उभं राहणं गरजेचं आहे हळूहळू मैदानाच्या आतमध्ये नवीन फलंदाजाची पावलं मैदानाच्या आतमध्ये नवीन फलंदाजाचं नेम दादा नवीन फलंदाजाचं नाव सांगायचंय सचिन ज्यानं मगाशी संघासाठी सहा षटकार वाचवला होता तो सचिन चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं होतं तर सचिन मैदानाच्या आतमध्ये दोन गडी बाद झाल्यानंतर अजूनही भोपळा फोडता आलेला नाहीये धावसंख्या हॅट्रिक वर चेंडू फलंदाज हॅट्रिक चेंडूवर आहे हॅट्रिक आहे बघूया दोन चेंडूवर दोन फलंदाज बाद केले अप्पाबाई खानविलकर दोन चेंडू मध्ये दोन गडी बाद केले बघूया आपणकडून बक्षिसांची खैरात होते का हॅट्रिक साठी दोन चेंडूवर दोन गडी बाद केले चांगली गोलंदाजी केले ऑन हॅट्रिक असणार आहे हॅट्रिक वरची हॅट्रिकचा चेंडू असणार आहे फलंदाज बघूया हॅट्रिक वाचवते का चेंडू फेक करण्यासाठी सज्ज होते चारपट पावलं तर पंचांना पार करून चेंडू फेक करण्यासाठी सज्ज होतो चेंडू 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 हवे मध्ये आणि सोन्याचा गोळा जमिनीला दान होतोय फलंदाज आता मात्र खातं खोललं जाते या ठिकाणी चेंडू झेल हवेमध्ये होता पण नशिबाची साथ होती झेल काही होऊ शकला नाही पहिल्या दोन चेंडूवर फलंदाज बाद झाले होते आता मात्र तिसऱ्या चेंडूवर खातं खोललंय प्रथमेश ज्यानं मगाचा सामना एक हाती वळवला होता तो प्रथमेश पवार ऑन स्ट्राईक वर आता स्ट्राईक वर आहे बघूया स्ट्राईक वर आहे प्रथमेश जो सलामीला आलेला प्रथमेश सुरुवातीच्या पळझडी नंतर धडपडी नंतर दोन विकेट स्वस्तात माघारी परतल्या होत्या भोपळाही न फोडता या दोन विकेटी परतल्या होत्या त्या विकेटीची पळझड प्रथमेश थांबवतोय का ज्यानं सेमी फायनल मध्ये पळझड धडपड थांबवली होती तोच प्रथमेश ऑन स्ट्राईक वर आहे चेंडू फेक करण्यासाठी सज्ज होतोय हो सुंदर फटका याला म्हटलं जातं जुनं नाणं खणखणीत दणदणीत वाजायला लागलं चेंडू जातो सणसणीत सी मार रेखा पार किती धावांसाठी पंच पंच बघूया दणदणीत खणखणीत षटकार मारवाडी प्रीमियर लीग षटकार जोपर्यंत प्रथमेश पवार मैदानात उभा आहे तोपर्यंत सामन्याचं चित्र आपण बदलू शकतो बघूया प्रथमेश काय करतोय फुलटॉस चेंडू पंच बघूया काय करत चेंडू दंडन टंटन 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 करत जातोय जातोय सी मार रे कापार खणखणी दणदणी चौकार आणि पंच अवांतर घोषित करतात चौकार जातोय पंचम पाच धावा मिळतात आणि मला वाटतं फ्री हिट असणार आहे का पंच आणि घंटी वाजणार आहे फ्री हिट असणार आहे गोल घंटा वाजायला लागले आहे आणि घंटा वाजायला लागले गोलंदाजाच्या काळजामध्ये हृदयाचे ठोके टन 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 वाजायला लागलेले आहेत धावसंख्येमध्ये बदल झालेला आहे आता मात्र धावसंख्येला आकार आलेला आहे खरोखर चांगला फटका होता गोलंदाजाने चूक केली होती मगाशीच म्हटलं होतं प्रथमेश खाली उभं राहून सामन्याचं चित्र बघत होता प्रथमेश जोपर्यंत मैदानात आहे तोपर्यंत चित्र बदलू शकतो बघूया गोलंदाज कसं कम बॅक करतोय चांगली गोलंदाजी करतोय का चार पाच पावलं तर पंधरा पार चेंडू फेकण्यात सज्ज होतोय चेंडू ब्लॉक होलचा चेंडू आहे चांगला चेंडू गॅदर केला होता यॉर्कर लेनचा चेंडू होता चांगल्या चेंडूला प्लेसमेंट केले चांगल्या चेंडूवर चांगला समाचार वाईट चेंडूवर प्रहार असं चित्र असतं चांगल्या चेंडूला सन्मान करतोय धावसंख्येत एक नंबर पडते धावसंख्या होत आहे ती 13 दोन गड्यांच्या मोबदल्यात 13 एक 13 एक मेरा धावसंख्या झाल्या 13 गडी बाद झाल्या दोन
दोन गड्यांच्या मोबदल्यात धावसंख्या झाल्या 13. आता मात्र प्रथमेश एक हाती किल्ला लढवताना दिसतोय. प्रथमेश 3 चेंडू 11 धावा. मी अजून मैदानात उभा आहे. मालकाला संघ मालकाला दाखवून देतोय माझ्यावर जबाबदारी का दाखवली. 4-5 पौलांचा रणपाय डाव्या हाताचा फलंदाज. ओ देखना देखना अनंत कार्पेट टमटमाचा दणदणीत टणटणीत षटचौकार. चेंडू सीमा पार. खरोखर चांगला फटका होता. चेंडूला दिलाय ठकलून देतो चेंडू आता सीमा पार 4 धावांसाठी. आणि या चौकारानिशी धावसंख्या झपकन भर पडते. धावसंख्या 17. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होते ती पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 17. 2 विकेट पडलेले असताना सुद्धा कमबॅक होते. धावसंख्या होते ती 17. खनखनी दणदणीत चौकार होता. या चौकारानिशी जी ग्रँड फिनालीची अंतिम ट्रॉफी आहे त्या ट्रॉफीसाठी दोन संघांमध्ये लढत आहे. पहिला जो संघ खेळला होता त्या पहिल्या संघाने जी पहिली फलंदाजी केली होती 43 धावा जमावल्या होत्या. विजयासाठी 47 धावांचं लक्ष ठेवलं होतं. 47 धावांचं लक्ष डोक्यावर घेऊन हा आलेला संघ 2 गडी बाद झाले होते. स्वस्तात 2 गडी माघारी परतले होते. त्या माघारी परतल्यानंतर पुन्हा एकदा संसार थाटताना दिसतात. पहिली आली दुसरी आली दोघी गेल्या तरी सुद्धा संसार थाटताना दिसतात. 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 2 विकेट नंतर चांगला संसार थाटताना दिसतात. धावसंख्या 17. नक्कीच राजेश. ओके बैटिंग पावर प्ले यहाँ पर चूज करते हुए तो रमेश यहाँ पर देखना होगा आने वाले 24 गेंदे हैं. पहली ओवर में 17 रन बन चुके हैं तो महज 27 रन बनाने होंगे आने वाले 24 गेंदों में. एक मुकाबला इसी टूर्नामेंट में दूसरे दिन हुआ था जो 4 ओवरों में 26 रन चेस करने थे. मेरे हिसाब से वो टीम यही थी जो अब फील्डिंग कर रही है मित्र 2-11 यानी कि उसी टीम पर वही चीज दोबारा करने का समय आ चुका है. 24 गेंदे 27 रन यहाँ पर आपको डिपेंड करने हैं नाना यानी कि प्रथमेश पवार. एक टेनिस क्रिकेट का राहुल द्रविड़ मैं उन्हें यू ही नहीं कहता क्योंकि वो घ्याप से खेलते हैं गेंदबाज के दिमाग के साथ खेलते हैं. यहाँ पर गेंदबाज शुभम मुरकर रन फ्रॉम पावर्स यहाँ पर पधारते हुए गेंदबाजी के लिए. क्या नाना इस गेंदबाज पर किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं देखना होगा. लेकिन आपको यहाँ पर फील्डिंग अच्छी करनी होगी. हर गेंद को यहाँ पर रोकना होगा प्लान करना होगा और एक अच्छी गेंद अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो नाना को आप डगआउट में भेज सकते हो. प्रथमेश किए गए यहाँ पर गेंद सीधी खेल दी है कौ कॉर्नर में निवृत्ति. यहाँ पर छलांग लगाते हुए गेंद थोड़ी सी उछली थी दिल में थोड़ी सी घंटी जरूर बजी होगी लेकिन एक रन पूरा किया. इस बीच लेफ्ट हैंड बल्लेबाज जिसने पिछली ओवर की आखिरी गेंद में एक ऑफ ड्राइव क्या खूबसूरत लगाया था. मुझे यहाँ पर सौरव गांगुली की याद आई थी. क्लासिकल ऑफ ड्राइव महज हिले नहीं फुटवर्क नहीं जगह से महज बल्ला हिलाया और वो गेंद बाउंड्रीलाइन के बाहर गई थी. क्या खूबसूरत ऑफ ड्राइव था लाजवाब था. इस बार एक रन के साथ ही टीम का स्कोर 18 रन बन चुके हैं तो आने वाले 23 गेंदों में 26 रनों की दरकार है. आपको गेंदे डॉट निकालनी होगी विकेट निकालनी होगी हर एक रन से आपको जरूर यहाँ पर बचाना होगा. तो शुभम मुरकर फिर से एक बार तैयार होंगे दूसरी गेंद करने के लिए. 23 गेंदों में 26 रन की दरकार है आने वाले यहाँ पर. शुभम मुरकर तैयार रहेंगे दूसरी गेंद क्या हलवा करेंगे. यहाँ पर गिर गए हैं यहाँ पर फील्डर स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पर तैनात. एक रन सीधा थ्रो आता हुआ विकेट के पीछे यहाँ पर आकाश यादव के हाथों में. तो लगातार 2 गेंदों में एक एक सिंगल. नाना यहाँ पर कोई बड़ा शॉट खेलने का जल्दी प्रयास नहीं करेंगे. जब खराब गेंद मिलेंगी तभी वो प्रहार करेंगे गैप देखेंगे ढूंढेंगे आखिर इत्यादि गेंद शॉट आती है तो उस पर वो ड्राइव लगाएंगे क्योंकि उनको मालूम है आसान मैच है उसको हार्ड बनाना नहीं है महज आगे लेके जाना है. आखिरी मुकाबला अगर टाई होता है तो सुपर ओवर खेला जाएगा इसका ध्यान रखें. इधर यहाँ पर देखना होगा सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद जाती हुई अरफान नाका के हाथ से गेंद छटकती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन. मैंने कहा था एक हल्की सी गलती और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर. Yeah.
थैंक यू डीजे। यहाँ पर 22 गेंदे 22 रन, मुकाबला अभी भी खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पर मैच में बने रहना है। एक अच्छी गेंद यहाँ पर मुकाबले में आपको वापस लेके आ सकती है। शुभम मुड़कर अगली गेंद, देखना होगा क्या प्लान है यहाँ पर। नहीं, अंपायर का इशारा नहीं, बल्ले से गेंद यहाँ पर लग चुकी थी। तो डॉट गेयर क्या खूबसूरत ब्लॉक की थी नाना को गेंद यहाँ पर, इनके प्रथमेश पवार खूबसूरत बल्लेबाजी, जिनके बल्ले से अब तक 2 चौके 1 छक्का आ चुका है। पूरे प्लानिंग के साथ गेम को आगे लेके जाते हैं। 20 गेंदे 21 रन, क्या यहाँ पर अगली गेंद शुभम की, यहाँ शॉर्ट गेंद, क्या छोटा होगा बेहतरीन फंसा है यहाँ पर फील्डर जो रखा था, कर्लक हम्पर के पीछे देखा नहीं शायद होगा नाना ने, और यहाँ पर प्लानिंग करके ये यहाँ पर शुभम मुड़कर एक बहुत ही शातिर और बहुत ही अच्छा कप्तान है पावस की टीम से। इनके चलने में ही अपनी खुशी मानते हैं और वो उन्हें यहाँ पर दिखाया है। यहाँ पर हमारे आयुष जो कैमरामैन है उनको गुजारिश है कि हमारे कमेंट्री बॉक्स कक्ष में यहाँ पर जो हमारे दर्शक है उनके तरफ पर थोड़ा सा कैमरा मोड़ ले। मित्र 2-11 के यहाँ पर जो सपोर्टर है, जो बाना खिलाड़ी है, वो खुश है और उनके जो चेहरे की मुद्रा है ना वो आपको टिप्पणी है। तो यहाँ पर प्रथमेश रिप्ले कीजिए, शायद वो पिछली विकेट जाने के बाद नए खिलाड़ी आदेश इस ओवर की अब तक 5 गेंदे हो चुकी है, 19 गेंदे, जीत के लिए अब 21 रनों की दरकार होगी। यहाँ पर फिर से एक बार शुभम मुड़कर आखिरी गेंद, फुल एंड यॉर्कर गेंदी होगा, देखना होगा यहाँ पर लॉन्ग अप पर गेंद फील करेंगे अरफान नाकवा, सीधा थ्रो आता हुआ शुभम के हाथों में, ओवर की समाप्ति अब बची है। यहाँ पर 20 रन 18 गेंदों में बनाने होंगे इस फाइनल टाइटल को जीतने के लिए। क्या डिपेंड होगा, क्या चेस होगा यहाँ पर, नाना तो वापस जा चुके हैं। नाना की जो पारी थी यहाँ पर 15 रनों की वो समाप्त हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर नाना ने कहा अपनी टीम के लिए अच्छा स्टैंड करके खड़ा करके दिया है। आने वाले जो गेंदे हैं 18 गेंदे और 20 रन, ये ओवर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आने वाले समय में कितने रन आखिरी 12 गेंदों में शेष रहते हैं। यहाँ पर अपने कोटे का दूसरा और इन्हीं का तीसरा ओवर लेकर गेंदबाजी के लिए आते हैं। पहले ओवर में 17 रन जरूर खाए थे, लेकिन इस ओवर में वापस गेंदबाजी अपने बॉलिंग ट्रैक पर आना होगा क्योंकि नए बल्लेबाज यहाँ पर आदेश स्ट्राइक पर रहेंगे, नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे सचिन। आने वाले 18 गेंदे 20 रन, यहाँ पर अगर इस ओवर में 1-2 विकेट चटकाने में अगर यहाँ पर मित्र 2-11 की टीम कामयाब होगी ना, तो ये सुपर डुपर हिट मुकाबला होगा क्योंकि अगर ये मुकाबला टाई होता है तो कंपल्सरी चेस नहीं है, यहाँ पर सुपर ओवर खेला जाएगा। तो देखना होगा क्या ये सुपर ओवर तक मैच जाएगा, क्या 2 ओवरों में अगले मुकाबला खत्म होगा, क्या आखिरी ओवर में मुकाबला जाएगा, किस तरीके का होगा कोई अनुमान नहीं। ओमकार तैयार, हम पर गए राउंड विकेट गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद शॉर्ट गेंद थी, यहाँ पर जोरदार खेलने का प्रयास था लेकिन कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले का, सीधा विकेट कीपर आकाश के हाथ में गेंद जाती हुई। डॉट गेंद यानी कि एक गेंद डॉट, प्रेशर थोड़ा सा बिल्डअप होता हुआ, जो फासला था मैच 0 का, 21 गेंदों में 21 रन चाहिए थे, अब बना नहीं है 20 गेंदों में 17 रन, तो 3 रन कुछ ना कुछ तो यहाँ पर आगे है। 17 गेंदों में 20 रनों की दरकार होगी यहाँ पर। हम काफी से एक बार तैयार हो गए अगली गेंद करने के लिए, गेंद हवा में बाउंड्री लाइन के सीधे 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 बाहर, नहीं, ओहो, शुभम मुड़कर एक खिलाड़ी नहीं है भगवान होगा क्योंकि जो फील्डिंग की थी वहां पर सचिन ने, वही फील्डिंग यहाँ पर शुभम मुड़कर करते हुए ये 4 रन उन्होंने बचाए थे, मैं भी बचाऊंगा भाई, लगा नहीं है। ये देखिए खिलाड़ी तो खिलाड़ी है, एक बहुत ही अच्छा खिलाड़ी, मैंने कहा था ये खेल के प्रति बहुत ही जज्बा रखता है क्योंकि जो मैं खेलता हूँ, मैं जिस टीम के लिए खेलूंगा, जिस जर्सी के लिए खेलूंगा, उसके लिए 100% दूंगा, ये सोचने वाला खिलाड़ी होगा। तो यही
यहाँ पर लाजवाब रिप्लाई दिखते हुए यूट्यूब पर खूबसूरत, ये लाजवाब फील्डिंग महेश, ये फासला बना सकता है मैच की जीत और हार का। फिर से एक बार गेंद हवा में, क्या कैच होगा, अर्पण अकवा नीचे आते हुए, सेफ हैंड, सेफ हैंड, शुभम मुरकर। मैंने कहा था, जब भी कहा है कि ये हैंड सबसे सेफ है, शुभम मुरकर इनके हाथों से 99% क्या छुट्टा नहीं है। तो खूबसूरत मुकाबला, फिर से एक बार करवट बदलता हुआ, वो चार रन बचाए, कैच पकड़ा, हाई कैच था, इतना आसान जरूर नहीं था, और उसमें इतने आसानी से कैच लपका है, मैच में कुछ ना कुछ तो जान आई है। यहाँ पर टेंशन सामने वाले टीम का भी बड़ा है, भले ही दोनों भी टीम अब गैस पर है, यानी कि 50-50 थोड़ी सी हिट बढ़ चुकी है, शायद ही सूरज ढलने में है, सूरज चाहे ढल चुका हो या आधा ढल चुका है, थोड़े समय में ढलेगा जरूर, लेकिन यहाँ पर सबके दिलों की धड़कन है ना वो तेज होती हुई, दोनों भी डगआउट में, यार जो पैवेलियन है यहाँ पर दर्शक जो अतिथि बैठे हैं उनको भी यहाँ पर ये मैच देखने में बहुत बड़ा मजा आ रहा है। चौथे तीसऱ्या षटकातील आतापर्यंत 3 चेंडूंचा सामना झाला आहे, तर मात्र 15 चेंडू उर्वरित आणि 18 धावांची गरज असेल। तो यहाँ पर सत्यम चौधरी जिन्होंने खूबसूरत गेंदबाजी की थी, बल्लेबाजों को यहाँ पर झकमा दिया था, हवा में गेंद करके यहाँ पर स्विंग करना और यहाँ पर कटर गेंद डालना उनके लिए बहुत ही शातिर है, और बल्लेबाजी में भी उतने शातिर है, लेकिन क्या इसमें यहाँ पर कामयाब होंगे ओमकार। यहाँ पर जो फील्डिंग सचिन ने की थी, अब लास्ट आसन पर बल्लेबाजी कर रहे, जिन्होंने 4 रन अपने टीम के लिए बचाए थे, वही शुभम ने बचा चुके हैं। ओमकार अगली गेंद करने के लिए सत्यम को तैयार, यहाँ पर गेंद थोड़ी सी हवा में, क्या यहाँ पर गया, नो मैच लाइन में गेंद गिरने की जरूरत है, इसमें एक ही रन मिलेगा, दूसरे रन के लिए रन आउट का खतरा, आउट यहाँ पर सचिन, रन आउट सत्यम, यहाँ पर कोई जरूरत नहीं थी आपको यहाँ पर आत्महत्या करवाने की, उनको मरवा डाला आपने, उनको मरवा डाला। तरफ से गेंदबाजी होती है, दोनों भी एंड है, लेकिन यहाँ पर मुश्किल तो नदी में आपने उसको डुबो कर यहाँ पर आत्महत्या करवा दी उसकी। चौदह गेंदे और 17 रनों की दरकार है, सत्यम चौधरी स्ट्राइक पर है, यहाँ पर फील्डिंग, शुभम मुरकर फिर से एक बार एक रन आउट, दो कैचेस, एक रन आउट और 4 रन, ये मैच शायद ही अगर कोई भी जीते, मुकाबला बहुत ही हार्ड होने वाला है उसमें कोई दुविधा नहीं, अगर ये मुकाबला खत्म कर सकता है तो सत्यम चौधरी, यानी कि अब इस खिलाड़ी को यहाँ पर आपको मैच जीतना है तो स्ट्राइक से दूर रखना होगा, विकेट निकालना होगा, यही तो कुछ ना कुछ करना होगा। एक मिनट पंच एक मिनट, संकेत नष्ट करने पर, इसी बीच फिर से एक बार तैयार हो गया ओमकार, यहां पर सत्यम को ये गेंद, शॉट गेंद, थोड़ा सा दूर रखा, डॉट गेंद, क्या खूबसूरत रंग बदलता हुआ ये मैच, सभी दर्शक यहां पर शॉट है, सबके 12 बजे है, कोई भी यहाँ पर हंसने को तैयार नहीं, क्या होगा, मेरी टीम जीतेगी या सामने वाली जीतेगी, कोई किसी को कुछ पता नहीं, आने वाली गेंदें होगी 13 और जीत के लिए 17 रन चाहिए थे, 18 गेंदों में 20 रन, क्या मुकाबला इधर से उधर, उधर से इधर हो रहा है, पानी में हिचकोले खा रहा है। तो यहाँ पर
क्रिकेट करने के लिए ओंकार तैयार। पिछले पहली ओवर में 17 रन जरूर दिए थे मैंने, लेकिन इस ओवर में उसकी भरपाई करूंगा। आखिरी गेंद फुल्लेन गेंद आड़े बल्ले से स्कोर लग पर निवृत्ति, वहां पर तैनात है। एक रन सीधा थोड़ा तो क्या दूसरा रन, नहीं इस बार मैं नहीं आत्महत्या कराऊंगा, मैं खुद मर जाऊंगा। उन्हें मालूम था एक रन, इसी के साथ ही तीसरे ओवर की समाप्ति होती हुई और तीन ओवर के बाद यहाँ पर स्कोर हुआ है 28 रन। तो आने वाली 12 गेंदें और 16 रन की दरकार होगी। खूबसूरत मैच यहाँ पर रंगता हुआ, जमता हुआ और बिखेरता हुआ, क्या हाई वोल्टेज मुकाबला यहाँ पर चल रहा है। मारवाड़ी प्रीमियर लीग 2023 का आखिरी मुकाबला, आखिरी पड़ाव, 12 गेंदे 16 रन यहाँ पर जीत ले जाए, क्या आपका कहना है राजेश जी? सामना नक्की चांगला होना है, 12 चेंडू आणि 16 धावांचा रोमांचक सामना आहे। अंतिम लड़त है, ग्रैंड फिनाले की लड़त है सर। या ठिकाणी नक्की सामना प्रेक्षकांना सामना चांगला पाहायला मिळणार आहे। हाई वोल्टेज वाला मुकाबला, काटे की टक्कर दोन्ही बाजूला, हाई वोल्टेज वाला मुकाबला, प्रेशर दोन्ही बाजूला असणार आहे, अतिशय महत्त्वाचा आहे, ग्रैंड फिनालेचा सामना आहे। 12 चेंडू आणि 16 धावांचा सामना असणार आहे। चांगली फटकेबाजी या सगळ्या दोन्ही बाजू आपल्याला पाहायला मिळतात, चांगली गोलंदाजी, चांगली फलंदाजी या ठिकाणी पाहायला मिळतात। आपण सत्यम चौधरी सारखा फलंदाज मैदानात उभा आहे, वैयक्तिक दोन या धावसंख्येवर खेळतोय, नॉनस्ट्राइक वर संकेत आहे। गोलंदाज संगणक बघूया कोणाच्या हातामध्ये चेंडू देतोय। हे षटक अतिशय महत्वाचं आणि निर्णायक षटक आहे, या षटकामध्ये सामन्याचा निकाल लागू शकतो। बघूया कशी गोलंदाजी केली जाते। 12 चेंडू आणि 16 धावा रोमांचक सामना, मारवाडी प्रीमियर लीगचा थरार, ग्रैंड फिनाले, अंतिम सामना, शेवटच्या दिवसातील शेवटचा सामना, जी लढत आहे अंतिम सामन्यासाठी लढत आहे, त्या लढतीसाठी हा सामना चालू आहे। बघूया कोणाच्या हातामध्ये। धन्यवाद धन्यवाद डीजे। बघूया वळूया सामन्याकडे, मॅच ऑन आहे मैदानाच्या आतमध्ये, मॅच ऑन आहे। बघूया सामना कोणाकडे झुकतोय। सामना 50-50 आहे, 12 चेंडू 16 धावा, मारवाडी प्रीमियर लीग सतीचा माळ या मैदानावर जो हाय वोल्टेज वाला मुकाबला चालू आहे। बघूया सत्यम चौधरी, ज्यानं पहिल्या दिवसामध्ये आपला खेळ दाखवून प्रेक्षकांची मनं जिंकली होती, दोन चेंडू मध्ये सामना फिरवला होता। सामना फिरवण्यासाठी दोन चेंडू सुद्धा भरपूर असतात, क्रिकेट अनिश्चितेचा खेळ आहे। चेंडू आदित्यच्या हातामध्ये, आदित्यच्या हातामध्ये सतीचा माळ एंड करून चेंडू फेक करण्यासाठी सज्ज होतोय। गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय। समोर असणार सत्यम चौधरी सारखा फलंदाज थोडस क्षेत्ररक्षण हलवलेलं दिसतंय, मोहाच्या जाळ्यात अडकवण्यासाठी क्षेत्ररक्षण हलत झुलत ठेवलं जातंय। गोलंदाज आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय, 4-5 पावलांचं रन पाय पंचांना पार करून चेंडू फेक करण्यासाठी सज्ज होतोय सत्यम। सत्यमचा चांगला फटका आहे, चेंडू दंडन टंडन टंडन करत येतोय, क्षेत्ररक्षकाजवळ चेंडू अडवला जातोय, अडून फेक होईपर्यंत पहिला धाव तो पूर्ण होतोय। दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न नाही, पण प्रयत्न यशस्वी होत नाही। धावसंख्या एक नाही, धावसंख्या 29, 5 गाड्यांच्या मोबदल्यात धावसंख्या 29, 11 चेंडू 15 धावा। ग्रँड फिनालेची लढत आहे, दोन तुल्यबळ संघादरम्यान एकमेक मित्रत्व 11 आणि यशस्वी लांजा अशी लढत असणार आहे। मायवाडी प्रीमियर लीग मध्ये सतीच्या माळाच्या मैदानावर दोन संघ आमने सामने लढत आहेत। गेली 3 दिवस जे संघ लढत होते त्यातून हे दोन फायनलिस्ट संघ आपल्याला मिळालेले आहेत। स्ट्राईक वर असणार आहे संकेत, नॉन स्ट्राईक वर असणार सत्यम, गोलंदाजी मार्क वर गोलंदाज आदित्य आपल्या गोलंदाजी मार्क वर सज्ज होतोय। 4-5 पावलांचा रन पाय पंचांना पार करून चेंडू फेक करण्यासाठी सज्ज होतोय। सुंदर चेंडू, सुंदर पटका, चेंडू ऑल ऑन द कार्पेट, डन डन टन टन करत क्षेत्ररक्षका जवळ जातोय। शिक्षक एक तू तू मै मै होते, चेंडू अडवला जातोय, थोडीशी मिसफील्ड होती मात्र गॅदर होतो चेंडू, धावसंख्येत एक ने भर पडते। थेंबे थेंबे तळे साचे, एका एका धावेवर समाधान मानावं लागतंय। धावसंख्या होते 10 चेंडूच्या मोबदल्यात 10 चेंडू आणि 14 धावा असं समीकरण आहे मैदानाच्या आतमध्ये। धावसंख्या झाली ती 35 गड्याच्या मोबदल्यात, धावसंख्या झाली 30, 10 चेंडू आणि 14 धावा असं समीकरण असणार आहे, 10 चेंडू आणि 14 धावा अंतिम सामन्यासाठी। अंतिम सामन्यामध्ये यश संपादन करण्यासाठी, विजयश्री खेचून आणण्यासाठी 10 चेंडू 14 धावा असं लक्ष असणार आहे। सत्यम चौधरी सारखा फलंदाज मैदानात आहे, गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज होते, 4-5 पावलांचा रन पाय पंचांना पार करून चेंडू बॅटला गुंगारा देतोय, पंच अवांतर घोषित करतात, मौक्या मौक्याच्या क्षणी अवांतर टाकतोय। आपल्याकडे बँक बॅलन्स कमी आहे आणि त्यात अय्याशी करताना गोलंदाज दिसतोय आणि या वेळेला अय्याशी करून चालणार नाहीये, खराब गोलंदाजी। एक एक धाव अतिशय महत्वाची आहे आणि या मौक्याच्या क्षणी
अवांतर मिक्सर एक्स्ट्राच्या रूपात धावा देणं म्हणजेच कठीण आहे. आणि धावसंख्येत एकने भर पडते. धावसंख्या होते 31 10 चेंडू आणि 13 धावा. रोमहर्षक सामना काटेकी टक्कर पाहायला मिळतात. याला समजलं जातं ग्रँड फिनाले. अंतिम सामन्याची अंतिम लढत दोन संघ दरम्यान चालू आहे. गोलंदाज आपल्या बॉलिंग मार्कवर बॉलिंग बिंदूवर सज्ज होतोय. समोर असणारे सत्यम चौधरी सारखा फलंदाज संकेतचा तेवढ्या ताकदीचा गोलंदाज आहे. उजव्या हाताने मारा करण्यासाठी संकेत सज्ज होतोय. चार पाच पावलांचं रन पाय पंचांना पार करून चेंडू पेक करणार सत्यम साठी. फुल टॉस चेंडू होता. चेंडू डंडन टंडन करत अलंद कार्पेट क्षेत्ररक्षकाच्या जवळ जातोय. पहिली धाव पूर्ण होते, यशस्वीरित्या पूर्ण होते. दुसरीचा कोणताही प्रयत्न दिसत नाही. धावसंख्येत एकने भर पडते. धावसंख्या होते 32 9 चेंडू 12 धावा. अजूनही मॅच ऑन आहे. मॅच लढतीमध्ये 50-50 दोन्ही बाजूने मॅच आहे. क्रिकेट मला अनिश्चितता खेळ म्हटलं जातं. मळवाडी प्रीमियर लीग मध्ये काटेकी टक्कर पाहायला मिळणार. याला म्हटलं जातं हाय व्होल्टेज का मुकाबला, प्रेशर वाला मुकाबला. अतिशय महत्वाची लढत जी ट्रॉफीसाठी अंतिम सामन्यासाठी लढत आहे. त्या लढतीसाठी अंतिम सामन्यावर नाव कोरायचं असेल तर हा सामना जिंकणं गरजेचं आहे. गोलंदाज गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय. सुंदर चेंडू, चेंडू बॅटची आतली कडा घेतोय. यष्ट्या मागे यष्टी रक्षक चुकतोय पण मागे क्षेत्ररक्षक चांगलं क्षेत्ररक्षण करतोय. संघासाठी धावा रोखून धरतोय. एका धावेवर समाधान मानावं लागतंय. 8 चेंडू 11 धावा. मात्र सामना चांगला पाहायला मिळणार आहे. थेंबे थेंबे तळे साचे सामना हळूहळू पुढे पुढे जातोय. 8 चेंडू आणि 11 धावा असं समीकरण आपल्याला मैदानामध्ये पाहायला मिळतंय. सत्यम मात्र सिंगल डबल मध्ये सत्यमचा विश्वास देतोय. सत्यमला माहिती आहे की माझं उभं राहणं मैदानात गरजेचं आहे. सत्यम दाखवून देते का बघूया संघासाठी. गोलंदाजी मार्क गोलंदाज सज्ज होतोय. सुंदर चेंडू, चेंडू हवेमध्ये बघूया. मध्ये सत्यम सौंदरी बॅक टू पॅवेलियन. चल माघारी चल घरी. सत्यम बाद होतोय. सत्यम सारखा फलंदाज बाद होतोय बॅक टू पॅवेलियन. या ठिकाणी सत्यम चौधरी सारखा फलंदाज माघारी जातो बॅक टू पॅवेलियन. मोठा फटका लगावण्याच्या प्रयत्नामध्ये सत्यमला लवकर सामना संपवायचा होता. सत्यम मला वाटतं मात्र सामन्यात चित्र बदललेलं दिसतंय. जे सुरुवातीला चित्र वेगळं होतं आता मात्र चित्र बदललेलं दिसतंय. चित्र एकदा इकडे एक तिरी एक मेरी. धावपळ हलता झुलता एकदा इकडे एकदा तिकडे. यालाच म्हटलं जातं क्रिकेट अनिश्चितता खेळ. हाय व्होल्टेज वाला मुकाबला. 7 चेंडू 11 धावा. पाहायला मिळतोय. सोहम मैदानाच्या आतमध्ये. नवीन फलंदाज सहावा गडी बाद झाल्यानंतर सोहम मैदानाच्या आतमध्ये. ते गोलंद सौरभ नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये. सौरभ बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. सौरभ अजून सौरभच्या आदित्यचा एक चेंडू बाद मार्क सज्ज होते. फलंदाज आपल्या सौरभ मला वाटतं पहिल्या चेंडू मध्ये एक धाव खर्च केली. दुसऱ्या चेंडू मध्ये एक धाव. तिसऱ्या चेंडू मध्ये अवांतर होता. दुसऱ्या चौथ्या तिसऱ्या चेंडू मध्ये एक धाव. पुन्हा एकदा एक धाव आणि शेवट पाचव्या चेंडू मध्ये गडीबाद केला होता. असं एकत्रित चित्र होतं. धावसंख्या झाली ती 30 विजयासाठी. 7 चेंडू 11 धावा. 7 चेंडू 11 धावा. ग्रँड फिनाले मळवाडी प्रीमियर लीगचा हाय व्होल्टेज वाला मुकाबला. काटेकी टक्कर एक तेरी एक मेरी. टस मस होत नाही सामना. हाय व्होल्टेज वाला मुकाबला. याला म्हटलं जातं प्रेशर मोमेंट. जो प्रेशर घेऊन खेळतो तो जिंकत असतो. बघूया कोणाचा विजय होतोय. सामना ऑन आहे. मैदानाच्या आतमध्ये गोलंदाज गोलंदाजी चारपाच पावलांचा रनअप आहे. पंचांना पार करून सुंदर चेंडू आहे. मला वाटतं षटक संपतंय. चार षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होते 33 6 चेंडू आणि 11 धावा. विजयासाठी 6 चेंडू 11 धावा. आणि या पुढील शेवटच्या षटकाचं समालोचन आमचे हिंदी कॉमेंटेटर विक्रम सरांच्या वाणीतून आपल्याला ऐकायला मिळेल. थँक्यू. तर हा पर
फाइनल मुकाबला फाइनल है और अब तक यहाँ पर डिसाइड नहीं हो सका है कि फाइनलिस्ट कौन होगा। यहाँ पर मित्र तो इलेवन होगी या यशस्वी लांजा होगी। भाई डीजे वाले अब शांत रहो, फाइनल होने के बाद आखिरी गेंद होने के बाद आपका समय आएगा, सब नाचेंगे सब झूमेंगे सब हवा में फटाके फोड़ेंगे। ये टेंशन वाला समय है दोनों भी टीम के बीच में। 6 गेंदे 11 रन, क्या मुकाबला हुआ है देखिए। पहले ओवर में रन बने थे चेस करते हुए 17, ओवर में रन बने महज 4, यानी कि जब 18 गेंदों में 20 रनों की दरकार थी तो 12 गेंदों में 16 रनों की दरकार बची थी, यानी कि 12 गेंदे जो पिछला ओवर था उसमें भी 5 रन आए, यानी कि 6 गेंदे 11 रन, 18 गेंदों में 20 रन कहां थे और 6 गेंदों में अब 11 रन बचे हैं। क्या मुकाबला लाजवाब फाइनल मुकाबला हम सभी दर्शकों को देखने को मिला है। एक भी दर्शक अपनी जगह छोड़ नहीं रहा है। महेश जो हिल रहे हैं ना वो खिलाड़ी है और उनके खिलाड़ी ये डगआउट में बैट्समैन डगआउट में दिख रहे हैं, बाकी सब खिलाड़ी यहाँ पर तस से मस नहीं हो रहे हैं। हमारे सभी प्रमुख अतिथि यहाँ पर व्यासपीठ पर विराजमान है और इस टूर्नामेंट का आनंद ले रहे हैं, वो भी धन्य हो चुके होंगे क्योंकि इतना बड़ा मैच उनको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हमारे सभी हम्पायर सभी लाइनमैन और सभी खिलाड़ियों का जो यहाँ पर टीम आज खेली है इस टूर्नामेंट में मालवाड़ी प्रीमियर लीग में, उन सभी का शुक्रगुजार हूँ। सभी का मैं स्वागत का नाम रह चुका है तो सभी का भी मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमें यहाँ पर इस टूर्नामेंट के लिए स्पॉन्सर्स जुड़े हैं, सब जो डोनर्स मिले हैं उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ। और इस टूर्नामेंट के फाइनल ओवर में चलता हूँ। 6 गेंदे 11 रन, निवृत्ति भोसले ये मैन गोल्डन आर्म है, ये खिलाड़ी गोल्डन खिलाड़ी है। जब जब इस मैदान में टूर्नामेंट हुआ है तब तब जो ये खिलाड़ी जिस टूर्नामेंट में जिस टीम के साथ खेला है वो टीम फाइनल में पहुंचती है। ये खिलाड़ी अब तक 2 बार यहाँ पर मैन ऑफ द सीरीज का किताब जीत चुका है। क्या आज फिर से वापस वो मौका होगा यहाँ पर, क्या वो किताब वो 50,000 की इनामी ट्रॉफी अपने नाम करेगा। यहाँ पर जब पहली ओवर हुई थी ना तो यशस्वी लांजा की टीम को यहाँ पर वो भी जीत से दूर नहीं है, वो महज 11 रन बनाने हैं। प्रथमेश जी पवार बेहतरीन बल्लेबाजी जिन्होंने सेमीफाइनल में की थी और उसके बाद यहाँ पर फाइनल भी अच्छी शुरुआत की थी, मैं से एक गलती उनके नजर में वो खिलाड़ी स्वर्ण अंपायर के पीछे नहीं आया। वो शॉर्ट गेंद थी और अच्छे तरीके से वो पुल भी कर रहे थे लेकिन उतनी हाइट उस गेंद को नहीं वो प्राप्त कर सके और वो खिलाड़ी के हाथ में गेंद गई। उसी समय से हुआ है, इसके बाद सत्यम चौधरी जैसा खिलाड़ी मैदान में आया। तो यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा होती है हम्पायरों के बीच और मुकाबला फिर से एक बार तैयार, फिर से एक बार हाई वोल्टेज मुकाबला। सभी दर्शक यहाँ पर आवाज जरूर देना कि भाई ये मुकाबला पसंद आया या नहीं आया, ये मुकाबला आपको पसंद आया या नहीं आया। बेहतरीन यहाँ पर रिस्पॉन्स दिखता हुआ, क्या खूबसूरत मुकाबला। निवृत्ति भोसले के हाथ में गेंद, 6 गेंदे 11 रन, पहली गेंद यहाँ पर करने के लिए तैयार, फुल गेंद गेंद हवा में और कैच, एक बार करवट बदलता हुआ, क्या मुकाबला है टाटा टिश। यहाँ पर फिर से एक बार मुकाबले में एक नई जान ठोक दी है, 6 विकेट यहाँ पर पतन होता हुआ, 5 गेंदे और जीत के लिए अभी भी 11 रन। क्या मुकाबला यहाँ पर करवट बदलता हुआ, एसएसबी की तरफ से एक बल्लेबाज कौन होगा जो इस मुकाबले में जीत देने में कामयाब होगा। आने वाली 5 गेंदे जिसमें 2 गेंदों को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजना है। कृपया इकडे लक्ष द्या, संकेत यहाँ पर आउट विकेट डगआउट में जा चुके हैं। नए खिलाड़ी यहाँ पर मैदान में आते हुए कमलेश रफ्तार किंग है। यहाँ पर 5 गेंदे 11 रन, निवृत्ति भोसले के हाथ में गेंद, गोल्डन आर्म, पहली गेंद में पहली सफलता, 5 गेंदे 11 रन इस किताब को जीतने के लिए। मालवाड़ी प्रीमियर लीग पर्व दूसरा जिसमें कौन होगा फाइनलिस्ट, मित्र 2 11 या
यशस्वी लांजा। खूबसूरत इस मैदान में आज विजय जी पावने भी खेल चुके हैं, प्रथमेश पवार खेल चुके हैं। इस गेम फुल लेग गेम, गेंद हवा में, क्या यहाँ पर क्या छोड़ा आकाश जादा, क्या खूबसूरत पलटा है मुकाबला, सातवां झटका, चार गेंदे 11 रन, जीत के लिए अभी भी यहाँ पर बनाने होंगे। कौन सा खिलाड़ी होगा यशस्वी लांजा की तरफ से, जो सत्यम चौधरी ने काल काम किया था वो काम करने के लिए कौन आएगा, कौन सा वो बल्ला होगा जिसके हाथ से ये 10 रन यानी कि 11 रन बनेंगे, यानी कि 10 रन भी बनते हैं तो सुपर ओवर देखने को मिल सकता है। चार गेंदे और 11 रन, क्या मुकाबला पलटा है। निवृत्त भोसले ऑन हैट्रिक, क्या ये हैट्रिक होगी, देखना होगा, या छक्का लगेगा या चौका लगेगा। 7 विकेट गेलेले आहेत, धाव संख्या असेल ती, माफ करा, 8 विकेट गेलेले आहेत, चार चेंडू मध्ये 11 धावा, म्हणजे धाव संख्या तब्बल पोहोचली आहे ती 33 धावा, चार चेंडू मध्ये 11 धावांची गरज। 8 फलंदाज तंबूत परतले आहेत, नवीन फलंदाज असेल प्रथमेश, प्रदीप वरती और हैट्रिक है, तीसरी गेंद करने के लिए तैयार यहां पर बोलते प्रदीप को, गेंद हवा में, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को चला के गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी, हमर गेंद घूमती हुई दो रन पूरा, तीसरे रन पूरा बाउंड्री लाइन के बाहर, फिर से एक बार गेंद पलटी होता हुआ यशस्वी लांजा की तरफ, 3 गेंदे अब 7 रन, क्या महज गेंद को ऑफ साइड में मिड आपके ऊपर से टपकाया था, यहां पर थोड़ा सा क्रैम्प आता हुआ अनिकेत शिवलकर के पैर में, देखना होगा यहां पर थोड़े से, 3 गेंद आराम से, कोई मैच का पानी की बोतल लेके आइए, आराम से उनको बाहर कीजिए और बाद में, यहाँ पर 3 गेंद और जीत के लिए 7 रनों की दरकार होगी। यहाँ पर ये जो गेंद घूमी है ना, क्या खूबसूरत घूमी है, यहाँ पर नसीब के साथ घूमी है। प्रदीप, प्रदीप की बल्ले से निकलता है पहली गेंद में चौका, क्या यूट्यूब लाइव चैनल वर आता सद्या 300 प्रेक्षक लाइव या सामन्याचा आनंद पाहत आहेत, खूप खूप धन्यवाद जे प्रेक्षक मुंबई रत्नागिरी दूरदूरवरून इथे येऊ शकत नाहीत, मात्र या सामन्यांचा प्रेक्षपण लाइव आपण या सामन्यांचा आनंद घेऊ शकता।
पार जुड़ते हैं मैदान की तरफ, तीन गेंदे सात रन, यहाँ पर फिर से एक बार वही माहौल, क्या बना रहेगा, जो प्रेशर था वही पर एक चौवा से कम होता हुआ कहीं ना कहीं दिखाएगा, यहाँ पर अब प्रेशर होगा मित्र दो लेन पर, चार गेंदे ग्यारह रन चाहिए थे, अब चौवा आ चुका है, तीन गेंदे सात रन की दरकार है, प्रदीप स्ट्राइक पर है, पहली गेंद से उन्होंने चौवा जड़ा था, और यहाँ पर सपोर्टर्स 11-12 खिलाड़ी हमारे आयुष कैमरामैन को गुजारिश है कि यहाँ पर भावेश जो हमारे 12th मैन है मित्रों के उनके तरफ यहाँ पर समालोचन कक्ष में आपको जरूर एक बार यहाँ पर कैमरा दिखाना है, उनको YouTube पर लाइव दिखाना है, उनके जो हाव भाव है ना वो टिप्पणी है आपको, यहाँ पर फिर से एक बार तैयारी जारी है, क्या तीन गेंदे सात रन यहाँ पर क्या मैच को फिनिश करने में कामयाब हो गए कि यहाँ पर फिर से एक बार दो विकेटे हैं और दो विकेटे निकालकर यहाँ पर ऑल आउट करने का भी मौका हो सकता है, लेकिन उसके बीच है प्रदीप, क्या इस मैच को जिताएंगे, तीन गेंदे सात रन, फिर से एक बार तैयारी चल रही है, कौन सी टीम होगी जो यहाँ पर अपना नाम उस पहली ट्रॉफी पर लिखेंगी जो मारवाड़ी प्रीमियर लीग 2023 सीजन 2 के फाइनलिस्ट होगा, यहाँ पर फिर से एक बार तैयार, सबसे हो चुका है, फील्डिंग पूरी तरह से तैयार है, फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार रहेंगे, यहाँ पर निवृत्ति भोसले सामने रहेंगे, प्रदीप तीन गेंदे सात रन, तैयार हो गया अगली गेंद करने के लिए, फिर से एक बार फुल लेंथ गेंद, फुल टॉस गेंद, हवा में गेंद, अगर कैच नहीं लपकोगे तो मैच नहीं, ओ हो तीसरी सफलता गोल्डन आर्म बॉलर यहाँ पर निवृत्ति भोसले, इस ओवर में चार रन और तीन सफलता अर्जित की है, नौवां झटका यहाँ पर यशस्वी लांजा की टीम को, मैंने कहा था इतना आसान नहीं होगा, लेकिन क्या मुकाबला हुआ है, 18 गेंदे 20 रन थे, महज तीन सफलता, उनके दो झटके लगे थे पहले तीन ओवर में, तीन ओवरों में, उसके बाद क्या विकेटों की झड़ी लगी है, आखिरी जोड़ी यहाँ पर मैदान में आती है, आखिरी खिलाड़ी मैदान में आता हुआ, दो गेंदे सात रन, एक छक्का एक रन या एक दो चौहे यहाँ पर देखने होंगे, कौन सी टीम यहाँ पर तैयार होगी ट्रॉफी पहली उठाने के लिए, तो यहाँ पर अब तक निवृत्ति जिस जिस टीम से या इस मैदान पर खेले हैं दो बार वही टीम फाइनलिस्ट हुई है और उसमें वो मैन ऑफ द सीरीज का खिताब चुने गए हैं, क्या इस सीरीज में भी वही टीम जीतेगी, क्या यशस्वी इसमें यशस्वी होगी, चंदू आखिरी खिलाड़ी मैदान में, आखिरी दो गेंदे, कौन सी टीम यहाँ पर 50,000 की इनामी राशि और चमचमाती हुई ट्रॉफी पर अपना नाम लिखेगी, या जो टीम यहाँ पर होगी, यहाँ पर जो टीम विजेता होगी उसके लिए मैच दो गेंदे सात रन या एक विकेट, ये फासला बचा हुआ है, मारवाड़ी प्रीमियर लीग 2023 महज अंतिम कुछ क्षण यहाँ पर लाइव प्रेक्षक है जो बढ़ते हुई तादाद यहाँ पर देख रहे हैं, SSS लाइव यानी कि श्री आर्ट श्री साई स्पोर्ट के दरमियान से जिनके कैमरामैन है आयुष और सर्वेश और ऑपरेटर वैभव, उनके साथ ही डिजिटल स्कोरर के काम कर रहे हैं साहिल पाटिल, इसी बीच फिर से एक बार मैदान की तरफ चलते हैं, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज क्या गेंद मैदान में आएगी, गेंद मॉडलन के लग बाहर आएगी, यहाँ पर देखना होगा, दो गेंदे सात रन, विजय राज यहाँ पर फिर लग मॉडलन पर तैनात है, दौड़ना शुरू किया, दो गेंदे सात रन यहाँ पर फुल लेंगे, क्या मुकाबला हुआ है, इस मुकाबले को जीता है निवृत्ति भोसले, गोल्डन आर्म चार रन चार विकेट आखिरी ओवर में,